उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से मामूली कहासुनी पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधेड़ ने मामूली से विवाद में पत्नी को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार होने पर परिजन एवं आस पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल ये पूरा मामला थाना फैजगंज बेहटा इलाके के गांव भवानीपुर का है, जहां भगवान दास मजदूरी कर घर चलाता था। उसके पास केवल एक बीघा जमीन थी, जिसे गिरवी रखने के बाद आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई। बता दें कि भगवान दास शराब का आदी भी है, जिसकी अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी के चलते उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर फावड़े से वार कर दिया, जिसके बाद पत्नी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बंद था। किसी तरह परिजन कमरे का जंगला तोड़कर कमरे में घुसे, तब तक महिला का काफी खून बह चुका था और मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने कातिल पति को हत्या में इस्तेमाल फावड़े के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा के ग्राम भवानीपुर की एक घटना है, जिसमें एक 46 वर्षीय महिला की उसके ही पति द्वारा फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना प्रातः 4 बजे के आसपास की बताई गई है और सुबह ही इनमें पति पत्नी में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिस पर आक्रोशित होकर के पति द्वारा फावड़ा मार करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आला कतल फावड़े की बरामदगी कर ली गई है। अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।